it's because of my parents' sacrifices, means whatever they have done for me. It's like inspires me a lot. My parents have given me so much in my life. My mother and father are my motivation for me. And every day when I look at them and whatever they do, they inspire me a lot. So even if 1% I remain on the backside, then my mind goes that my mummy papa did that for so many years. I can't do that. I'm still so young. I'm still 21. So it's I can do that very easily. तो सर मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि स्पोर्ट्स कहाँ से आया यास्तिका की लाइफ में. एक्चुअली ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ इन स्कूलिंग ऑल्सो आई यूज टू प्ले क्रिकेट और मैं जैसे रेस वगैरह में भी पार्टिसिपेट करता था. 200 meters 400 meters स्कूल एक्टिविटी में बहुत एक्टिव था. मैं म्यूजिक में भी था स्कूल में. आई यूज टू बीट ड्रम्स एंड ऑल दैट. तो मेरे को शुरू से ही था कि मेरे जब बच्चे होंगे तो मैं उनको थोड़ा सा इस एक्टिविटी में रखूँगा. तो वैन शी वॉज 3 years old जोशीता माई एल्डर डॉटर वॉज 6 years old तो मैंने उन दोनों को स्विमिंग ज्वाइन कराया. हमारे लालबाग कॉरपोरेशन का स्विमिंग पूल है वहाँ पर. तो उसका एक कंडीशन था कि पेरेंट्स को पहले स्विमर होना है तो हम दोनों को भी स्विमर होना पड़ा. एंड देन वहाँ पे जो कोचेस थे वहाँ इनको ट्रेनिंग देते थे तो ये अपना सेफ्टी जैकेट पहन के बच्चे दोनों जने उतरते थे और ये डीप वाटर में फ्लोट होते थे. तो इसको तो बहुत अच्छा लगता था. कभी ऐसे उल्टी हो जाती थी, सीधी हो जाती थी. इसको जंप भी करते थे ऊपर से. ये जंप भी करती थी. 3 साल की बच्ची जंप कर रही है. यस डाइविंग करती थी बिकॉज इसको फियर ही नहीं था ना वाटर का. हम लोगों को पता था कि इसका लेवल इतना है 17 feet नीचे. इसको तो कुछ मालूम ही नहीं था. पापा दिखते थे, पापा खड़े हैं, बस कुछ और कुछ नहीं होगा. और फ्लोटिंग वो पहनते किट पहना हुआ रहता था तो नीचे जाती थी डीप फप 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 करके हाथ मारती थी. ऊपर आ जाती थी और फ्लोट करके निकल जाती थी और हमारी सांसें बंद रहती थी कि नीचे गई है जल्दी से ऊपर. फिर मैंने क्रिकेट के बाद इनको स्विमिंग के बाद इनको बैडमिंटन स्टार्ट करवाया. तो बैडमिंटन में फॉर्चुनेटली हमारे घर के पास ही नेशनल चैम्पियनशिप जीते हुए मैडम थे तो उनका अपना कोर्ट वगैरह था. तो मैंने कहा कि मैडम थोड़ा ऐसे दोनों बच्चे हैं तो उन्होंने ज्वाइन किया. 1 साल तक ये लोग काफ़ी अच्छा है डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स. बैडमिंटन में तो बहुत शौक था. बहुत शौक था. मतलब अगर वो शिफ्ट नहीं हुए होते तो शायद हम बैडमिंटन में ही होते हैं अभी तक. तो मैडम जो है वो शिफ्ट हुए अपने घर से बड़ौदा के दूसरे कॉर्नर पे चले गए तो फिर हमारा बैडमिंटन क्लास बंद हो गया. फिर हम लोग कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे कि अभी क्या करें अभी क्या करें. तो कराटे भी स्टार्ट किया और फिर कराटे के साथ साथ क्रिकेट भी पापा ने स्टार्ट करवाया. मैंने उनको वाइट यूनिफॉर्म पहनाया और मैंने कहा चलो मेरे साथ. फर्स्ट डे था तो मैं उनको लेके गया और मैंने कहा कि ये अब आपको स्टार्ट करना है. तो देवर नोइंग कि क्रिकेट है ऐसा बिकॉज दे यूज टू सी ऑन टीवी तो उनको था ऐसा. फिर धीरे धीरे इन्होंने टेनिस बॉल से स्टार्ट किया. पर उसमें ऐसा था कि मैं बहुत छोटी थी. जब 6 साल की थी तब पापा लेके गए थे हमें. तो उसको तुमको थोड़ा ऐसा बोला गया कि बाद में आप ज्वाइन करना. वो फीलिंग क्या थी क्योंकि 6 साल की उम्र की आप गए लेकिन आपको वो चांस नहीं मिला. नहीं मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि दीदी को खेलने मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा. ऐसे बहुत लग रहा था. तो वो चीज़ इतना मुझे पैशन था वो गेम का कि दीदी को मैं बाहर बैठ के देखती थी तो मुझे सपने में भी आता था रात को मैं जब सोती थी कि अरे दीदी ऐसे खेल रही है मैं भी जा रही हूँ उसके साथ खेलने. तो ग्राउंड पूरा पिच वगैरह सब मुझे उस समय भी 6 साल की उम्र में भी सपने में आता था कि मैं खेल रही हूँ. और एवरी डे का इसका रहता था मैं कब जाऊँगी ऐसा होता था. मतलब शी वॉज ऑलवेज ईगर नॉट ओनली फॉर क्रिकेट फॉर एनीथिंग विच न्यू जो उसको लगता था. तो शी वॉज ऑलवेज ईगर एंड नॉट ओनली दिस इवन स्टडीज. घर पे खेलते थे क्रिकेट तो घर पे जैसे ये वॉल क्लॉक है ये लगी हुई है तो हम खेल रहे हैं क्रिकेट. दादाजी बाहर वॉक करने गए हैं तोड़ दी. तोड़ गई तो नीचे गिरी. तो दादाजी आ गए. नीचे जैसे गिरी दादाजी का बेल बज गया. हमने दरवाजा बंद कर दिया.
मैं दरवाजे पे दादाजी से बात कर रही हूँ कि दादू एक मिनट कुछ चाबी नहीं मिल रही, ऐसे ऐसे करके उनसे बात, मैं दादाजी को डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। दीदी तब तक झाड़ू लगा रही है, सब क्लीन करने साफ करके डस्टबिन में डालो, डस्टबिन में डालो करके डस्टबिन में डाला और वैसे का वैसा विदाउट कांच लगा दिया उसने ऊपर। और फिर हमने तब देखा सब ठीक है, सबूत मिट गया, फिर हमने दरवाजा खोला। तब फिर दादाजी अंदर आए, दादाजी देखे क्यों इतना टाइम लगा, फिर हम कुछ ना कुछ समझाया हमने उनको, फिर बोला ओके करके सब नॉर्मल हो गया। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा अभी, पर उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ है। फिर ख़त्म हुआ सब, शाम को मम्मी आई, मम्मी ने आते ही तुरंत घड़ी देख ली कि इन्होंने कुछ कांड किया है यार। फिर मम्मी को हमने आराम से साइड पर बिठा के समझाया कि दादाजी को मत बताना ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर सब समझाया। बेसिकली आप दादाजी से डरते थे? हाँ, दादाजी बहुत गुस्सा करते थे। जनरली उल्टा होता है ना, लोग दादाजी के पास जाते हैं मम्मी पापा की कंप्लेन करने के लिए, यहाँ पर दादाजी एक्चुअली वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी डिसिप्लिन पर्सन, तो उनको ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, बच्चे भी डिसिप्लिन में रहे, सब डिसिप्लिन। उनका तो ऐसे था कि स्पोर्ट्स से ज्यादा उनको ऐसे था कि हम डॉक्टर इंजीनियर बने, स्टडीज में जाएं। एक बेटी बन गई है डॉक्टर। हाँ, उनको ऐसे था कि दूसरी भी मैं भी डॉक्टर ही बनूं, दोनों को उनको डॉक्टर देखना था। लेकिन फिर जब मैं क्रिकेटर बनी तो फिर उनका भी परसेप्शन चेंज हुआ, वो ओपन हुए उस चीज को। इंडिया के लिए खेली तब तो उनके भी आंखों में पानी आ गया था, उनके लिए भी एक चेंज हुआ लाइफ में। कुछ भी नहीं बोलते, जितना मैं बोलता था उतना सुन के उतना करते थे, पर जैसे मेरा नेचर पता चलने लगा ना बाद में, वही बोलने लगी मेरे को खाली सुनने का रहा। दादागिरी करती है, सो आई लाइक स्टूडेंट लाइक दैट, यू नो, आर्ग्यूज विद मी, यू नो, सो यू हैव टू हैव दैट, यू नो, यू कांट हैव दैट स्टूडेंट लाइक हां सर, यस सर, यस सर, यू डोंट लाइक दैट, यस सर।